नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। आईपीएल में भले ही मध्य प्रदेश की टीम नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी है, जो मध्य प्रदेश की प्रतिभा है, वो अन्य राज्यों की टीम से प्रतिनिधित्व कर मध्य प्रदेश का नाम गौरव से ऊंचा कर रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं। ऐसे एक खिलाड़ी है शशांक सिंह, जो पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं और उन्होंने कई ऐतिहासिक पारियां खेली हुई। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करूंगा। सर, भले ही मध्य प्रदेश की टीम नहीं है, आप एक आईपीएस परिवार से आए हैं, लेकिन क्रिकेट को क्यों चुना? सर, क्रिकेट को हमेशा से मेरे फादर का ड्रीम था, ये पापा का ड्रीम था कि मैं क्रिकेट अपनी कंट्री के लिए खेलूं, और विद टाइम ये मेरा ड्रीम भी बन गया कि मैं कंट्री के लिए खेलूं। और जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करता गया, मुझे लगा कि मेरे में शायद वो टैलेंट है कि मैं खेल सकता हूं एक अच्छा लेवल, तो इसलिए। बट हमेशा से बचपन से मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं कंट्री के लिए खेलूं। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की कमी जो खलती है आईपीएल के अंदर, की टीम नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो सितारे हैं वो उभरते हुए सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखेंगे प्लेयर्स वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, कुलदीप है, पुनीत दाते भोपाल के हैं, कि ये जो प्लेयर्स हैं बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंट है यहाँ पे। आई मीन भोपाल में तो है ही है, बाकी भी सारे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में टैलेंट है। और बीसीसीआई मेहनत कर रहा है कि यहाँ की भी टीम आए, एट अ पॉइंट यहाँ की भी टीम आएगी। अभी 10 टीम है, शायद हमें कुछ सालों बाद यहाँ पे वेन्यू में, इंदौर के वेन्यू में या कोई वेन्यू में मैचेस भी मिलेंगे हम लोग को। तो बीसीसीआई पूरे प्रयास कर रहा है और आई मीन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे एट अ टाइम। एक मैच था गुजरात टाइटंस से आपका, शिखर धवन आउट हो गए थे, जोनी बेस्ट आउट हो गए थे, आपने लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला था, 61 रन बनाए थे और उससे पंजाब मैच भी जीता था, कैसा वो ऐतिहासिक क्षण था आपके लिए? काफ़ी खुशी हुई थी, आई मीन कि अपनी टीम को जिता पाना उससे बड़ी खुशी नहीं है। 61 करो आप, 30 करो आप, 20 रन करो, अपनी टीम को जिता पा रहे हो तो सबसे बड़ी खुशी उस बात पे होती है, और वही खुशी मुझे भी थी। और अच्छा था कि एक अवे गेम था, गुजरात एक स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उनके अगेंस्ट उनके होम में हराना उनको एक बड़ी बात थी, तो इसलिए ज़्यादा खुशी थी कि मैं अपनी टीम को जिता पाया, मतलब कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया जिताने में। पुलिस वालों के साथ भी अपने क्रिकेट खेली बचपन में, बाबे अली का भी आप हिस्सा रहे हैं, बाबे अली से भी आपने खेला, तो आपको नहीं लगता मध्य प्रदेश इंदौर में और ग्वालियर में स्टेडियम है, भोपाल में भी स्टेडियम बनना चाहिए? सर, आपने पुलिस वालों से क्रिकेट खेलने की बात की, तो हमारे बीच योगेंद्र सिंह बैठे हुए हैं, ये सब मेरे कोचेज हैं, योगेंद्र सिंह, मंजीत, समीर व्यास, ये लोग ही इन्होंने क्रिकेट सिखाया है मुझे। आज जब मैं जो लेवल खेल रहा हूँ, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऑब्वियसली पुलिस टीम के साथ मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, डीजीपी टीम के साथ, तो बहुत सारे मेमोरीज हैं। और ऑब्वियसली बावेली ग्राउंड में, सेंट माइकल्स में खेला, शकील सर थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैं भोपाल में था, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं भोपाल के साथ। और ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भोपाल में भी स्टेडियम बनेगा और यहाँ का टैलेंट भी और निखरेगा, तो मेरी पूरी दुआएं हैं और मैं जो भी प्रयास हो सकता है मेरे से मैं करूँगा कि भोपाल में एक अच्छा स्टेडियम बने। आप एमपी से हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हैं। सर, मेरा बर्थ जो है वो भिलाई में हुआ था, आई मीन जब मैं पैदा हुआ था 91 में, तो एमपी छत्तीसगढ़ एक ही था तब, तो पापा की पोस्टिंग एसपी भिलाई थे, तो आज मैं जब मैं छत्तीसगढ़ से खेलता हूँ, बिकॉज मेरा जो बर्थ प्लेस है वो भिलाई है, तो इसलिए मैं एलिजिबल हूँ स्टेट को खेलने के लिए। और एमपी से मैं ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं हूँ अब खेलने के लिए, बिकॉज मेरा डोमिसाइल नहीं है। काफ़ी खुश हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ को खेल रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और काफ़ी लोगों ने अपनाया वहाँ पे, काफ़ी वेलकमिंग थे, तो अच्छा लगता है। भोपाल आपको नीली जर्सी में देखना चाहता है। जी, आप लोग का आशीर्वाद है सबका, आई मीन मुझे इतनी खुशी होती है आप लोग जब मेरे लिए इतना सपोर्ट करते हैं, और यही सपोर्ट मुझे काम में आता है जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोग की दुआएं रहेंगी, आशीर्वाद रहेगा, ज़रूर वो सपना भी साकार होगा। क्या लगता है भोपाल में या मध्य प्रदेश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं लेकिन मौका नहीं मिल पाने से वो यहीं रह जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मेरा हमेशा से मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आई मीन जो क्रिकेट हमारे कंट्री में गेम है, बहुत इमोशनल गेम है और बहुत कंपटीशन है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप बिलीव करते रहो खुद पे। एक टाइम ऐसा आएगा, मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप क्लिक करोगे, बट वो बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। मैं लकी था कि मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे, तो आई मीन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करे, और अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी फ्यूचर में। आप आइडियल किसे मानते हैं? सर, मैंने एबी डिविलियर्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बैटिंग करते देखता हूँ उनको, तो अभी रिसेंटली सूर्य कुमार यादव से मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, बट उनकी बैटिंग देखना बहुत पसंद है मुझे, तो एबी डिविलियर्स और सूर्य कुमार। ठीक है, तो ये थे शशांक सिंह, भोपाल के रहने वाले हैं, किंग्स इलेवन पंजाब के लिए आईपीएल में खेलते हैं, 61 रन की पारी खेली थी और 61 रन की पारी से उन्होंने पंजाब को जीत भी दिलाई थी। एक समय था जब पारी लड़खड़ा गई थी, लेकिन शशांक सिंह की पारी से पंजाब को जीत मिली थी और प्रीति जनता ने भी उनकी खूब तारीफ की थी। तो कहीं ना कहीं शशांक सिंह का कहना है कि वो टीम इंडिया में आने के लिए मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग भी चाहते हैं कि भोपाल का जो सितारा है वो नीली जर्सी में दिखे, वो उत्साहित है कि वो एक आईपीएस परिवार से आते हैं, लेकिन उनके पिताजी का सपना था कि वो एक क्रिकेटर बने और वो क्रिकेटर बन के अपने पिताजी के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभा साक्षी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।